नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। धूमधाम से मनाया जा रहा हरतालिका तीज, 6 महीने के अंदर अधिकारियों को करना होगा लंबित केस का निपटारा। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में 770 पदों पर होगी बहाली। बिहार राज्य के आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिलेगा नया मोबाइल। गोट फिल्म में धोनी का अंदाज देख फैंस हुए दीवाना। अब खबरें विस्तार से। बिहार दौरे पर जेपी नड्डा, कई योजनाओं का किया उद्घाटन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना में हैं। इस दौरान उन्होंने पटना के IGIMS में आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य वरिष्ठ नेताओं की भी उपस्थिति रही। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि पहले स्वास्थ्य का मतलब केवल बीमारियों का इलाज करना था, लेकिन अब स्वास्थ्य का मतलब है कि मरीज को बीमार ही ना होने दिया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मौके पर बात करते हुए 2005 से पहले की स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति की तुलना अभी से की। इस दौरान सीएम और जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य से जुड़ी 850 करोड़ की अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। 6 महीने के अंदर अधिकारियों को करना होगा लंबित केस का निपटारा। बीते दिन मुख्य सचिवालय में बिहार के नए मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आला अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कहा कि राज्य में अनुसंधान के लंबित मामलों में से 60% का निपटारा अगले 6 माह में किया जाएगा। वर्तमान में राज्य भर में लगभग 2.67 लाख मामले लंबित हैं, जिनमें से 1 लाख मामलों का निपटारा 6 माह में किया जाना है। मुख्य सचिव ने इस बात पर ध्यान भी दिया कि राज्य में अनुसंधान अधिकारियों की संख्या में इजाफा हुआ है। पहले जहां केवल 8,000 अनुसंधान अधिकारी थे, वहीं अब ये संख्या बढ़कर 23,000 हो गई है। ऐसे में लंबित मामलों का निपटारा तय लक्ष्य के अनुरूप किया जाए। धूमधाम से मनाया जा रहा है हरतालिका तीज। आज पूरे देश में महिलाएं हरतालिका तीज का पर्व धूमधाम से मना रही हैं। इस विशेष अवसर पर महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन महिलाएं पारंपरिक 16 श्रृंगार से सजी हुई नजर आती हैं और हरे और लाल रंग के वस्त्र पहनती हैं। हाथों में मेहंदी लगाना भी इस व्रत की एक महत्वपूर्ण परंपरा है। हरतालिका तीज का व्रत रखने से न केवल वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है, बल्कि ये संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी माना जाता है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में 770 पदों पर होगी भर्ती। बिहार में दंत चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए 770 नए दंत चिकित्सकों की बहाली की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की मान्यता के अनुसार दांतों से जुड़ी समस्याओं का इलाज करने के लिए पर्याप्त डॉक्टरों की कमी है, खासकर डेंटल कॉलेजों को छोड़कर अन्य अस्पतालों में। इसी कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने 770 नए पदों पर नियुक्तियों का निर्णय लिया है। इस कदम से प्रतिवर्ष लगभग 89.14 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च सरकार को वहन करना होगा। नए दंत चिकित्सकों की तैनाती जिला अनुमंडल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और राजकीय औषधालयों में की जाएगी, जिससे कुल डेंटल डॉक्टरों की संख्या बढ़कर 1,354 हो जाएगी। टीचर भर्ती में नियमों की अवहेलना, शिक्षकों में आक्रोश। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा TRI-1 में एक गंभीर अनियमितता सामने आई है। सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार दूसरे राज्यों के 268 दिव्यांग अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में बहाल कर दिया गया है। इनमें ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के हैं। इस भर्ती में 4% दिव्यांग आरक्षण केवल बिहार के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित था, लेकिन दूसरे राज्यों के दिव्यांगों को सामान्य श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। कई शिक्षक अभ्यर्थियों ने इसका विरोध भी किया है और आरोप लगाया है कि भर्ती में ऐसे लोग भी शामिल हो गए हैं जिनका सत्र भी पूरा नहीं हुआ था। इन गड़बड़ियों की जांच होनी चाहिए। डीएम का आदेश, जमीन की उपलब्धता के लिए रिपोर्ट 1 सप्ताह में दे अधिकारी।
बीते दिन पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने बहटा में स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रनवे विस्तार के लिए आवश्यक 190.50 एकड़ जमीन की अधिग्रहण की प्रक्रिया की समीक्षा की और संबंधित इलाकों का मुआयना भी किया। बता दें ये जमीन 116 एकड़ अतिरिक्त होगी जो कि मौजूदा रनवे विस्तार के लिए आवश्यक है। इस परियोजना के लिए एक अधिकारियों की टीम भी बनाई गई थी जिसमें अपर समर्थ सहायक महाप्रबंधक भूमि प्रबंधन पटना हवाई अड्डा जिला भू अर्जन पदाधिकारी और DCLR दानापुर शामिल हैं। डीएम ने अधिकारियों की टीम को स्थल का भ्रमण करते हुए जमीन की उपलब्धता के लिए रिपोर्ट 1 सप्ताह में देने का निर्देश दिया है। बिहार के जमुई जिले की बेटी नीसू सिंह ने 2 पर्वतों पर लहराया परचम। बिहार की जमुई जिले की बेटी नीसू सिंह ने 2 पर्वतों पर लहराया तिरंगा। जमुई जिले के बरहट प्रखंड के टैगोरा गांव की बेटी नीसू सिंह ने पर्वतरोहण के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने एक ही अभियान में लेह लद्दाख के 2 प्रमुख पर्वतों पर तिरंगा फहराया है। बता दें कि नीसू सिंह ने 24 अगस्त की रात 9 बजे कांग यात से 2 की चढ़ाई शुरू की जो 20,506 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 25 अगस्त की सुबह उन्होंने इस पर्वत पर तिरंगा फहराया। इसके बाद नीसू और उनकी टीम ने कांग यात से 1 की ओर रुख किया जिसकी ऊंचाई 21,001 फीट है। आधी और बर्फबारी के बीच 30 अगस्त को सुबह 6 बजे उन्होंने इस पर्वत पर तिरंगा लहराया। नीसू सिंह ने इस सफलता को बड़ी चुनौती बताया और कहा कि ये उपलब्धि उनकी मेहनत और अनुभव का नतीजा है। बिहार राज्य की आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिलेगा नया मोबाइल। बिहार राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं को जल्द ही नया मोबाइल मिलेगा। समाज कल्याण विभाग ने इस संबंध में टेंडर जारी करने की तैयारी कर ली है। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद नए मोबाइल खरीदने और वितरित करने की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि हाल ही में जारी किया गया टेंडर तकनीकी कारणों से रद्द हो गया था लेकिन अब जल्द ही दोबारा टेंडर जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिना मोबाइल के सेविका पोषण ट्रैकर पर काम नहीं कर पाएंगी और आंगनबाड़ी केंद्र के कामकाज में परेशानी होगी जिसे देखते हुए उन्हें जल्द नया मोबाइल दिया जाएगा। ड्यूरिंग वेलफेयर फाउंडेशन ने लगाया निशुल्क स्वास्थ्य शिविर। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 8 सितंबर को मनाया जाएगा व इसके उपलक्ष्य में एड्यूरिंग वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप का आयोजन पटना के उमंग स्नेह होम कुम्हारर में किया गया जहां करीब 50 स्ट्रीट चाइल्ड ने भाग लिया। इस अवसर पर अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सूर्य शंकर कुमार ने बताया कि आजकल बच्चों और युवा उम्र में गर्दन दर्द, कमर दर्द और घुटने दर्द जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इन समस्याओं से बचने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है नियमित एक्सरसाइज करना। 1,95,000 जाली नोट के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है जहां पुलिस ने इंडो नेपाल बॉर्डर से भारत में जाली नोट की खेप पहुंचाने वाले मुख्य सरगना नजर सद्दाम के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इन तस्करों को नेपाल बॉर्डर के हरैया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इनके कब्जे से 1,95,000 भारतीय जाली नोट बरामद किया गया है। ये सभी तस्कर भागलपुर जिले के निवासी हैं जिनके नाम नजर सद्दाम, मोहम्मद बारिश और जाकिर हुसैन है। गिरफ्तार सद्दाम का पाकिस्तान और बांग्लादेश से कनेक्शन के तार मिलने की भी बात कही जा रही है जिससे सुरक्षा एजेंसी पूछताछ में जुट गई है। बिहार कैडर के 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी विवेक कुमार को मिली बड़ी राहत। बिहार कैडर के 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी विवेक कुमार को सरकार से बड़ी राहत मिली है। बता दें भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत दर्ज केस को सरकार ने वापस लेने की सहमति दे दी है। सरकार के संयुक्त सचिव रामा शंकर ने विशेष लोक अभियोजक को पत्र लिखकर केस वापस लेने का अनुरोध किया। इस फैसले के बाद विवेक कुमार को आरोपों से छुटकारा मिलने की पूरी तरह उम्मीद जताई जा रही है जिसके बाद अधिकारियों और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। 11 क्विंटल चांदी के साथ 1 तस्कर गिरफ्तार।
बिहार के गोपालगंज से खबर है, जहां पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 1 करोड़ रुपए की 11 क्विंटल चांदी बरामद की है। चांदी को बस के माध्यम से मथुरा से सीतामढ़ी की ओर ले जाया जा रहा था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। वही इस मामले पर कुचायकोट थानाध्यक्ष ने कहा कि वाहन जांच के दौरान बस से एक तस्कर को करीब 11 क्विंटल 28 किलोग्राम चांदी के साथ गिरफ्तार किया गया है, जो मथुरा से सीतामढ़ी लेकर जा रहा था। मामले की जांच पड़ताल के बाद वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पटना के बख्तियारपुर में डुप्लीकेट आटा तस्करी का भंडाफोड़। पटना के बख्तियारपुर स्थित दिद्दौर इलाके में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। यहाँ पर पूजा इंटरप्राइजेज के नाम पर चल रहे एक फर्जी फॉर्म के जरिए डुप्लीकेट आटा और अन्य ब्रांडेड उत्पादों की तस्करी की जा रही थी। पुलिस की जांच में पता चला कि पूजा इंटरप्राइजेज के मालिक कृति आटा के नाम से भी एक फॉर्म चला रहे थे, जो पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र में स्थित है। इस फर्जी फैक्ट्री से पूरे बिहार में आटा सप्लाई किया जाता था, लेकिन अब ये खुलासा हुआ है कि यहाँ पर खुद की छपाई कर आटा भरा जा रहा था और उसे बाजार में बेचा भी जा रहा था। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव कुमार ने बख्तियारपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार है। इस घोटाले की तहकीकात जारी है और पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। पटना हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, आरजेडी की याचिका पर नोटिस जारी। बिहार में जातीय गणना के बाद आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के मुद्दे पर पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए राजद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी की याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है और इसे बिहार सरकार की याचिका के साथ जोड़ दिया है। पटना हाईकोर्ट ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अत्यंत पिछड़ा वर्गों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के दायरे को 50% से बढ़ाकर 65% करने बिहार सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। इस निर्णय को बिहार सरकार और राजद दोनों ने चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए जुलाई में पहले से ही तारीख तय की थी और अब राजद की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन राजद की ओर से इस मामले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गोट फिल्म में धोनी का अंदाज देखकर फैंस हुए दीवाना। साउथ सिनेमा की चर्चित फिल्म गोट में थलापति विजय की धमाकेदार एंट्री को लेकर फैंस में उत्साह की लहर है, लेकिन इसके साथ ही फिल्म में एक खास ट्विस्ट भी छुपा हुआ है। जी हां, क्रिकेट के दिग्गज और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का भी इस फिल्म में कैमियो है। धोनी की झलक देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना और बढ़ गया। एक पल के लिए थिएटर का माहौल स्टेडियम जैसा ही बन गया। हालांकि धोनी का रोल फिल्म में छोटा है, लेकिन उनका कैमियो दर्शकों को काफी भा रहा है। गोट में धोनी की उपस्थिति ने दर्शकों को एक नया सरप्राइज दिया है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि मोहन वर्मा, मुन्ना प्रसाद, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद अरमान, अजय कुमार, राकेश मिश्रा, मोहम्मद इरफान, रंजीत मिश्रा, राम बाबू दास, संजीव कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, हरतालिका तीज के अवसर पर कौन कौन से पारंपरिक पकवान आपके यहाँ बनाए जाते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।